आज की ये वीडियो कोई रेसिपी वीडियो नहीं है। आज मैं आपके साथ छोटे छोटे लेकिन बहुत ही काम के टिप्स एंड ट्रिक शेयर कर रही हूँ, जो आपके रोजमर्रा के काम को बहुत ही आसान बना देंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विजय और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और अगर आज की वीडियो में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आते हैं तो लाइक जरूर किया करिए। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहता है, बहुत ही मोटिवेशन मिलती है उससे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर लीजिए। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरी फर्स्ट टिप जो है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही यूज़फुल है, आपको बहुत ही काम आने वाला है। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच उड़द की दाल ली है और 2 चम्मच यहाँ पे मैंने ये चने की दाल ली है। इन दोनों दालों को हमें गोल्डन होने तक भून लेना है। इसको सिर्फ गर्म नहीं करना है, आपको अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये हमारी जो दालें हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब इनको किसी भी प्लेट पे निकाल लेंगे। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। ये देखिए, इसी तरह से आपको इसको गोल्डन ब्राउन करना है। और अब इसको ठंडा करने के बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसको इस तरह से पीस के रेडी कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने बिल्कुल बारीक पाउडर इसका बना लिया है। और अब इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके और रख लीजिए। ये बाहर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता क्योंकि हमने इतने अच्छे से इसको रोस्ट किया है। और इस पाउडर को आप कोई भी सूखी सब्जी बनाइए, जैसे आप अरवी की सब्जी बना रहे हैं, आलू की सब्जी बना रहे हैं, भिंडी की सब्जी बना रहे हैं, उसमें 1 या 1.5 चम्मच इस पाउडर को ऐड कर दीजिए। इससे आपकी जो सब्जियों का मॉइस्चर होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी सब्जी जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी, सूखी सूखी बन के तैयार होगी और उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही एनहांस हो जाता है। ये पाउडर जो है वो बहुत ही मल्टीपर्पज़ है। पाउडर का यूज़ आप अगर चावल फ्राई कर रहे हैं उसमें भी ऐड कर दीजिए तो टेस्ट को एनहांस कर देता है। इसके अलावा अगर आप कोई ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं और उसमें आप चाहते हैं कि थोड़ी सब्जी जो है वो लटपटी सी हो जाए तो आप इसका 1 से 1.5 चम्मच इस पाउडर का ऐड कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट एनहांस हो रहा है और आपकी ग्रेवी भी गाढ़ी हो जा रही है। तो आप इस टिप को एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो केलों को बॉईल करने से रिलेटेड है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके केले बॉईल होने के बाद ज़्यादा गीले ना हो तो उसके लिए मैं आपके साथ ट्रिक शेयर कर रही हूँ। अगर आप उस मेथड को फॉलो करके केले को बॉईल करेंगे तो आपका केला जो है वो कभी भी गीला नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये ऊपर और नीचे का थोड़ा सा पोर्शन कट कर देना है। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा कट कर लीजिए और आप देख लेते हैं इसको किस तरह से बॉईल करना है। उसके लिए केलों को हमें स्टीम में बॉईल करना है। तो मैंने यहाँ पे एक कुकर लिया है और कुकर में नीचे इस तरह से स्टैंड लगा दिया है जाली वाला, और उसके ऊपर इस तरह से कोई भी बर्तन रख दीजिए और अब इनमें इन केलों को प्लेस कर देंगे। गैस को ऑन कर देना है और अब आप इसका ढक्कन लगा दीजिए और ढक्कन लगाने के बाद 2 से 3 विसल आने देंगे। इसी तरह से आप अरवी को भी बॉईल कर सकते हैं। इस तरह बॉईल करने से आपकी अरवी जो है वो गीली नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये केले बॉईल हो गए हैं। इस तरह से जब आप केले बॉईल करेंगे तो ये बिल्कुल गीले नहीं होते। ये देखिए, बहुत ही आसानी से छिलका निकल रहा है और आप इनके अंदर केलों को देख सकते हैं। ये बॉईल भी हो गए हैं और ये इस तरह से गीले भी नहीं होते। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको केला बॉईल करना हो और अगर आपको केले के वड़े बनाने हो या कटलेट बनाने हो और आपको केले का मिक्सचर जो है वो ड्राई चाहिए तो इस ट्रिक को फॉलो करके आप केलों को बॉईल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे केले जो है वो बॉईल हो जाएंगे। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो अरवी छिलने से रिलेटेड है। अगर आप भी सब्जी के लिए अरवी छिलते हैं और आपके हाथों में खुजली होती है तो मैं यहाँ पे आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ। अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपके हाथों में खुजली बिल्कुल नहीं होगी। तो ये देख लेते हैं कौन सी ट्रिक है जिसको फॉलो करने से हमारे हाथों में खुजली नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, इस तरह से अरवी को किसी भी बड़े बर्तन में ले लीजिए और अब उसमें गुनगुना पानी ऐड करना है। और इस गुनगुने पानी में आप अरवी को 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर आप इसके बाद इस अरवी को आप छील के सब्जी बना सकते हैं। आपके हाथों में खुजली जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके एक बार जरूर देखिएगा। और ये ट्रिक मुझे मेरे एक व्यूअर ने भेजा था, सुमन चोपड़ा जी ने भेजा था। थैंक यू सुमन जी। इसी तरह से अगर आप लोगों के पास भी कोई टिप है तो आप जरूर शेयर करिए, तो उसको मैं आपके नाम के साथ वीडियो में इंक्लूड करूंगी। चलिए फिर नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप है, जब भी आप चने की सब्जी बनाते हैं तो आप जिस भी मसाले के साथ बनाएं, मसाला भुनने के बाद जब आप उसमें चना ऐड करते हैं उसी समय इसमें ये 2 चम्मच भिंगी हुई चने की दाल ऐड कर दीजिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम चने की सब्जी बनाते हैं तो चने जो है वो अलग रहते हैं और ग्रेवी जो है वो अलग रहती है। तो इस तरह से चने की दाल ऐड करने से ये दाल जो है वो चनों से पहले कुक हो जाएगी और एक बहुत ही लिफ्टी हुई सी ग्रेवी बनके तैयार हो जाएगी। तो आप इसके को एक बार जरूर आजमा के देखिए, बहुत ही शानदार ग्रेवी जो है वो बनके तैयार होगी और वो बिल्कुल हमारे चनों के साथ लिफ्टी हुई बनेगी। कुकर का प्रेशर निकलने के बाद मैंने इस तरह से सब्जी को हल्का सा घोट लिया है और ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्जी जो है वो बनके रेडी हुई है। तो आप कम मसालों के साथ भी इस तरह से बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी की सब्जी बना सकते हैं। और अगर इस चने की सब्जी की रेसिपी आपको चाहिए तो मैंने 2-2 चने की सब्जी की रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड की है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं।
मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो आटा गूंदने से रिलेटेड है। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी ब्रांड के आटे से रोटियां जो है वो सॉफ्ट नहीं बनती, या आटा गूंदने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी रोटियां सॉफ्ट नहीं बनती। तो उसके लिए क्या करना है, आप इस तरह से आधा दूध और आधा पानी ले लीजिए, और इस दूध वाले पानी से जब आप आटा गूंथेंगे तो आपकी रोटियां जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होंगी। और अगर आप बिगनर हैं तो ये ट्रिप आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आटा गूंथने के बाद आप हाथ में थोड़ा सा पानी लीजिए और इस तरह से आटे के ऊपर छिड़क के और छोड़ देना है। और अभी इस आटे को ढक के और 20 से 25 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट करने दीजिए। आधा घंटा हो गया है और ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा आपका जो है वो बन के रेडी हो गया है। अब बस इस तरह से हाथ में हल्का सा ऑयल लगा लीजिए और एक बार आटे को फिर से अच्छे से गूंथ लेंगे। ज़्यादा नहीं गूंथना, सिर्फ 1 से 2 मिनट, जिससे सारा गूंथा हुआ आटा जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। और यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा जो है वो बन के रेडी हो गया है। और फिर जब आप इस आटे की रोटियाँ बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट रोटियाँ जो है वो बन के रेडी होती है। तो आप इस ट्रिक को जरूर आजमाइए। चलिए फिर देख लेते हैं कि नेक्स्ट टिप मैंने आपके साथ कौन सी शेयर की है। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो एक क्लीनिंग टिप है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम कप डेली धोते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगहों पे कप जो है वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। जैसे इस तरह से आप इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे आपको दाग जो है वो दिखेंगे, या फिर नीचे, या इस तरह से कप के इस पोर्शन में। इसी तरह से जो इस तरह के हम ग्लास वाले मग यूज़ करते हैं उसमें भी जो ये डिज़ाइन रहती है, डिज़ाइन में इस तरह से हार्ड वाटर का डिपोजिशन जो है वो हो जाता है। तो मैं आज आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ। अगर आपने उस तरह से क्लीन किया, आप वीकली इस तरह से एक बार क्लीन कर लीजिए, तो आपके कप और मग जो है वो बिल्कुल साफ रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या करना है। तो उसके लिए हमें एक मिक्सर तैयार करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बोल ली है, उसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। आपको जितना साफ करना है उस हिसाब से प्रपोर्शन ले लीजिए। यहाँ पे सेम अमाउंट में बेकिंग सोडा ले लेंगे, कुकिंग सोडा जो कि हमारे घरों में इजीली अवेलेबल रहता है, वो डालेंगे 1 चम्मच। और उसके बाद इसमें हमें विनेगर ऐड करना है। विनेगर लगभग 2 चम्मच ऐड कर देंगे यहाँ पे, और इसका एक मिक्सर तैयार कर लेंगे। और अब इस मिक्सर को, जैसे मैं यहाँ पे आपको कप और ग्लास साफ करके दिखा रही हूँ, उस मिक्सर को जो भी स्टेन वाला एरिया है वहाँ पे आप इस तरह से लगा दीजिए। जो भी आपके पास खराब ब्रश है उससे उस एरिया में इस मिक्सर को लगा देना है। नीचे भी देखिए ये पोर्शन जो है वो काफ़ी गंदा हो जाता है। और अब इसको अप्लाई करके इसी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह से मैं इसको मग के ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ, और अप्लाई करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह से इस मिक्सर को अंदर भी अप्लाई कर देना है। मिक्सर को अप्लाई किया, 15 मिनट हो गया है, और मैंने फिर से एक बार इस तरह से ब्रश से इसको रगड़ दिया है। आपने जहाँ जहाँ भी मिक्सर अप्लाई किया है या जहाँ पर आपको स्टेन दिख रहा है, आपको इस तरह से उसको ब्रश से अच्छे से रगड़ देना है। इसी तरह से मैंने ये मिल्क मग के ऊपर का पोर्शन भी इस तरह से अच्छे से ब्रश से धो दिया है। और अब मैं इसको आपको वॉश करके दिखा रही हूँ, पानी से आपको वॉश करके दिखा रही हूँ। देखिए सारे स्टेन जो है वो गायब हो गए हैं। अब मैं आपको इसको लिक्विड सोप से धो के और तब दिखा रही हूँ कि कितना शाइन करने लगता है इस तरह से वॉश करने से। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने कप और मिल्क मग दोनों को लिक्विड सोप से वॉश कर लिया है और इसको ड्राई कर लिया है। और अभी आप देखिए जो भी स्टेन इस पे थे वो बिल्कुल गायब हो गए। इसी तरह से मिल्क मग भी देखिए बिल्कुल नए जैसा शाइन कर रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं कौन सी है। मेरी नेक्स्ट स्टेप जो है वो आटा को स्टोर करने से रिलेटेड है। अगर आप वर्किंग है या आप सुबह के लिए आटा गूंथ के रात को ही तैयार कर लेती है, तो उस केस में जब भी हम आटा रखते हैं तो इसके ऊपर अच्छी सी पपड़ी पड़ जाती है, या हमारा आटा जो ऊपर वाला रहता है वो हार्ड हो जाता है, जिसकी रोटियां अच्छी नहीं बनती। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। मैंने इसको स्टोर करने का एक ट्रिक पहले भी शेयर किया हुआ है, यहाँ पर मैं दूसरी ट्रिक शेयर कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, इस तरह से किसी भी कंटेनर में आटे को रख लेना है, और उसके बाद हल्का सा हाथ को गीला कर लीजिए, और बस इस तरह से हल्का सा आटा को गीला कर देना है। और अब आप इसमें ढक्कन लगा दीजिए और इस आटे को फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। पर जब भी आपको रोटियां बनानी है, इस कंटेनर को आधा घंटा पहले फ्रिज से निकाल लीजिए, और जब उस आटे की आप रोटियां बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट रोटियां जो है वो बनके तैयार होंगी, और आपका आटा जो है वो ऊपर से ड्राई भी नहीं होगा। तो आप इस ट्रिक को एक बार जरूर आजमा के देखिए, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। मेरी नेक्स्ट स्टेप जो है वो काफ़ी यूजफुल है, आपको काफ़ी पसंद आएगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारे फ्रिज से बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आपको एक पेपर लेना है और इसको इस तरह से बिल्कुल अच्छे से आप फोल्ड कर दीजिए। और अब इस पेपर के ऊपर इस तरह से पानी स्प्रे कर लेना है,
हल्का सा इसको गीला कर लेना है पेपर को, आप किसी भी तरह से इसको हल्का सा गीला कर लीजिए। और इस तरह से हल्का गीला करने के बाद आपको पेपर को फ्रिज में किसी भी कॉर्नर में या सामने कहीं भी रख दीजिए और इसको ओवरनाइट के लिए इसी तरह से फ्रिज में छोड़ दीजिए और सुबह आप इस पेपर को निकाल दीजिए। इस तरह से करने से आप देखेंगे कि आपका फ्रिज जो है वो बिल्कुल पहले जैसा बिल्कुल फ्रेश हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं कौन सी है। कभी आपने भी फील किया होगा कि जब हम कोई भी मसालेदार सब्जी बनाते हैं तो उस मसाले का स्मेल जो है वो काफ़ी देर तक हमारे किचन में परसिस्ट करता है, या हम फिश बनाते हैं या कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसके काफ़ी प्रोमिनेंट स्मेल है तो बहुत देर तक उसका स्मेल जो है वो हमारे किचन में परसिस्ट करता है, बहुत देर तक वैसा ही हमारा किचन जो है वो महकता रहता है। तो उसको दूर करने के लिए मैं यहाँ पे आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर रही हूँ। अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो किया तो आपका किचन जो है वो बहुत ही जल्दी फ्रेश फील करेगा, बहुत ही जल्दी आप भी उस किचन में फ्रेश फील करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से पहले पानी को बॉईल कर लेना है और उस पानी में हमें इस तरह से दालचीनी के दो टुकड़े डाल देने हैं, 5-6 लौंग डाल देना है और यहाँ पे कुछ बूंदे नींबू के रस की डाल देंगे और साथ में ये नींबू भी इसी में ऐड कर देंगे। और अब इस पानी को बॉईल होने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। आप पानी को इसी तरह से बॉईल करिए। तो इस तरह से बॉईल करने से जो भी इसमें से एरोमा निकलता है वो पूरे किचन में फैल जाएगा और आप कुछ देर के बाद देखेंगे कि आपका किचन जो है वो बिल्कुल फ्रेश स्मेल करने लगा, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप भी एक बार जरूर आजमा के देखिए और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसा कि आप सभी को पता है इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में आप कितनी भी साफ सफाई कर लीजिए फिर भी हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे काउंटर टॉप पे चींटियां दिख जाती हैं, मक्खियां दिख जाती है। तो इन चींटियों और मक्खियों को दूर भगाने के लिए एक सोल्यूशन तैयार करेंगे। आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए और इसमें 2 चम्मच के अराउंड नमक ऐड कर देंगे और अब इसी पानी में 2 चम्मच आप विनेगर ऐड कर दीजिए और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस नमक वाले सोल्यूशन के 2 फायदे हैं। अक्सर आपने बड़े लोगों को कहते हुए सुना होगा कि नमक वाले पानी से पोछा लगाने से हमारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो खत्म हो जाती है, नमक वाले पानी से हमेशा पोछा लगाना चाहिए। और दूसरा कि इससे हमारे घर से कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी दूर भागते हैं और खासकर चींटियाँ तो इस नमक वाले पानी से बहुत ही दूर रहती है। तो बस ये सोल्यूशन तैयार है और अब इसको इस तरह से कोई भी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और अब इसको अपने काउंटर टॉप पे आपको स्प्रे कर देना है। और इस तरह से आप अपने काउंटर टॉप को इस पानी से पोंछ लीजिए। इस तरह से पोंछ लेने से आपके काउंटर टॉप पे चींटियां तो बिल्कुल नहीं आएंगी, मक्खियां भी बिल्कुल नहीं आएंगी और इसी तरह से गैस पे भी स्प्रे करके इसको भी साफ कर सकते हैं। तो इस ट्रिक को आप एक बार आजमा के जरूर देखिए, आपके घर की सारी चींटियाँ जो हैं वो भाग जाएंगी, मक्खियाँ भी बिल्कुल नहीं आएंगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है एक के बाद एक फेस्टिवल जो है वो आने वाले हैं और इस समय हम घर में तरह तरह की मिठाइयाँ भी बनाते हैं। उन मिठाइयों को बनाने के लिए हमें कंडेंस मिल्क की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम इंस्टेंट मिठाइयाँ जो है वो बहुत ही फटाफट से बना के रेडी कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर मैं आपके साथ इंस्टेंट कंडेंस मिल्क की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आपको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये रेसिपी जो है बिल्कुल इंस्टेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने ये 5 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, मैंने इस चम्मच से लिया है और ये जो चम्मच है वो हमारे जो ये नॉर्मल घर में चम्मच रहती है उसके बिल्कुल बराबर ही रहता है। तो आप इस चम्मच से भी ले सकते हैं, इस चम्मच से आप 5 चम्मच ले लीजिए। 3 चम्मच यहाँ पे हमें पाउडर शुगर ऐड करना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 चम्मच बिल्कुल भर के ये पाउडर शुगर लिया है, इसको ऐड कर देंगे। और अब इसमें हमें दूध ऐड करना है, दूध का प्रपोर्शन मैं आपको दिखा दे रही हूँ कितना यूज़ करना है। ये देखिए 1 चम्मच, 2 चम्मच, ये 3 चम्मच दूध मैंने बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है और ये बॉयल दूध है और बॉयल करने के बाद मैंने इसको ठंडा करके तब इसमें ऐड किया है। और अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो यूज़ करना है, वो है ये घी। और घी मैंने यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं बिल्कुल 1/2 चम्मच लिया है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है जिससे सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, लेकिन आप देख रहे होंगे अभी हमारे कंडेंस मिल्क को एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं आई है, तो इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें 2 चम्मच दूध मैं और ऐड कर रही हूँ, ये देखिए 1 चम्मच और 1 चम्मच और ऐड कर देंगे। और अब इसको फिर से एक बार ब्लेंड कर लेंगे। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का इंस्टेंट कंडेंस मिल्क जो है वो बन के रेडी हो गया है। इस कंडेंस मिल्क को आपको जब मिठाइयाँ बनानी हो तभी आप इसको बनाइए और तभी आप इसको यूज़ कर लीजिए। इसमें हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया है, तो इस कंडेंस मिल्क को आप मुश्किल से 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको जितना इंस्टेंट यूज़ करिएगा उतना अच्छा है। और अगर आपको ऐसा कंडेंस मिल्क चाहिए जिसको आप स्टोर भी कर सकते हैं तो उस कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है,
उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टेज पे ऐसा लगता है कि आपके कंडेंस मिल्क की कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्ट नहीं है, तो अगर गाढ़ा है तो आप थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड करके कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिए, या अगर आपसे थोड़ा सा पतला हो गया तो उसमें हल्का सा मिल्क पाउडर ऐड करके कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए कितना शानदार कंडेंस मिल्क जो है वो बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल मार्केट जैसा। और इसको आप जब चाहें तब बना सकते हैं घर में बहुत ही आसानी से। गाइस अभी तक तो आपने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देख लिए होंगे, तो कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।